Hello everybody, welcome to another episode of Sabhi Madeeh podcast. And the topic for today's podcast is the importance of patience in life. Whether you're a teacher, whether you're an entrepreneur, whether you're starting a business, whether you're going after your dream, this is one thing that you have to have, which is having patience. It is so important, and it is said that patience is a virtue. Madam, what do you think about it? Patience to Allah Ta'ala ne farmaya hai, main sabr karne walon ke saath hoon. To yahan to baat hi khatam ho gayi. Agar hum log ye samajh jaye ke inna Allah ma'as sabireen, ke Allah Ta'ala hamare saath hain, jo sabr ki aur patience ki jo ek super power hai, kehte har aadmi harness kar hi nahi sakta hai. Patience ek aisi power hai, ye harness karna. 90% लोग आप सड़कों पे चलते हुए देखेंगे, घर से आप उठते हैं, निकलते हैं, जॉब पे जाते हैं, गाड़ी में आप बैठे हैं, 10 जगह पर ऐसे लोग होता है कि नहीं यार, आपकी पेशेंस का इम्तिहान वहीं से शुरू हो जाता है. तो अभी तुमने जैसे बात की कि पेशेंस को हार्नेस करना बहुत मुश्किल है, क्यों मुश्किल क्यों है ऐसा? बस है यार ये तो, क्योंकि हमसे वेट नहीं होता, हमें चीज़ें फ़ौरन चाहिए. हम ये हमारी कौम का मसला नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम है, ये पूरे इंसानियत का एक वो है कि पेशेंस, इंसान सब्र कर ही नहीं सकता. आप घर से निकलें, आपके जो है ना, आपके बटन्स पुश करना शुरू कर देंगे लोग, चाहे आप रोड पे हैं, कोई आपको कट मारेगा. सुबह देख लें 8:30 बजे रोड्स पे क्या हालात होते हैं, जब आप अपने जॉब्स पे जा रहे हैं, स्पेशली ट्रैफिक में और पाकिस्तान में टाइमिंग्स में लोगों के क्या हालात होते हैं, घर से लेट निकलते हैं, लैक ऑफ प्लानिंग भी आ जाती है इसमें, मिसमैनेजमेंट आ गई और लेट निकले घर से, फिर आपने लोगों को, फिर रेड सिग्नल का वेट नहीं करना, फिर बदतमीज़ी, तूफान बदतमीज़ी होती है. पेशेंस जो है ना, ये पूरी दुनिया का एक मसला है, स्पेशली हमारी कौम का, हमारी कौम में ज़्यादा है. और इसके अलावा कल का, अच्छा सॉरी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, कल हम मोटरवे से आ रहे थे, मैं तुम्हें बताऊँ, तुमने किया था नोटिस? हाँ. वो जो टोल प्लाजा जहाँ 45 रुपये टोल देते हैं, तीन उसके वो थे लाइनें, टोल प्लाजा तीन थे, तीन लाइनें थी, देखते ही देखते 5 हो गई लाइनें. इधर उधर से लोग घुसना शुरू हो गए कि हम पहले निकल जाए. अब वो समझ नहीं आ रही और वो अंदर घुसे जा रहे हैं और इस तरह आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ. यूं होते होते वो घुस रहे, एक बड़े साहब थे, बाबा जी, वो उतरे आगे टोल प्लाजा में गए, उन्होंने गालियाँ दी उन्हें कि यार तुम ये कंट्रोल के, हालांकि बस ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका हो कुछ नहीं सकता है एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब है ये हमारा एक मसला है. और पेशेंस जो जीत गया उसके लिए फिर रिवॉर्ड्स अल्लाह ताला रखें और आप फिर आप एक एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग बन के आप सामने आएंगे. अच्छा ये दूसरी जो थ्योरी है पेशेंस की, कि पेशेंस इज अ वर्च्यू, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी जो बात है कि पेशेंस इज जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि मतलब मेटाफिजिक्स में जो साइड को डील करती है. हाँ. वो ये है कि पेशेंस, आप पेशेंस क्या, आप अगर आप अगर आपके माइंड में एक आइडिया है तो इट हैज़ टू कम इनटू फिजिकल फॉर्म आफ्टर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. वो वाली चीज़ बताओ लोगों को. अच्छा, फिजिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ अब हम आ गए, स्पिरिचुअल डोमेन की बात कर लें थोड़ी. अगर आपको एक चीज़ चाहिए, आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, आप रोज कर रहे हैं, अगर शायद दुआ नहीं भी कर रहे आपके माइंड में और जहन में है, वो तो वो दुआ ही है ना, वो दुआ ही होगी, वो एक दुआ की फॉर्म है कि आप एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. अगर आपका अल्लाह से कनेक्शन है तो वो एक दुआ है. अल्लाह ताला तो दिल के भेदों से भी वाकिफ़ है. तो अगर आप मांग रहे, सिर्फ हमें दुआ का तरीका नहीं आता, आप मांग रहे हैं एक चीज़ कॉन्स्टेंटली, आपने एक आइडिया अपने अपने माइंड में जो है ना, आपके वो आपने होल्ड किया हुआ है, इम्प्रिंट हुआ हुआ है आपके माइंड में, और अब वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही वो चीज़ आपके लाइफ में. कोई फॉर एग्जांपल मैं एक देता हूँ, कोई लड़का है, वो एक लड़की से शादी करना चाहता है, या कोई वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, गाड़ी खरीदना चाहता है. अब उसके पास वो फाइनेंशियल उसकी इतनी वो नहीं है कि वो ले सके. अगर वो उस लड़की से शादी करना चाहता है, उसके अंदर वो पहुँच नहीं है उस तक, ठीक है, एक एक्शन प्लान तो होगा, एक्शन उसे लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी एक टाइम, एक जो एक अल्लाह ताला के नज़दीक एक यूनिवर्सल एक टाइम होता है हर चीज़ के मैनिफेस्ट करने का, एक टाइम है, उस टाइम से पहले चीज़ नहीं हो सकती, चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए. और इसमें आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको भी लाइफ में आप अपने देखें कि कितने इवेंट्स हुए होंगे कि हर चीज़ जो है परफेक्ट टाइमिंग पर हुई है.
आप खुद ही कहेंगे कि अगर वो चीज़ वक्त से पहले हो जाती तो यार शायद ना अच्छा होता। ये कमेंट्स में हर बंदा अपने, प्लीज़ आप एक्सपीरियंसेस शेयर करें। हमारी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी ऐसी हो जाती हैं जो आपको कुछ सिखा के चली जाती हैं। आप कहते हैं यार ये चीज़ हुई है तो मेरी लाइफ जो है मैं अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले गया हूँ। वी आर इम्पेशेंट पीपल, वी वॉन्ट थिंग्स टू हैपन ओवरनाइट बट दे डोंट हैपन क्विकली द वे वी वॉन्ट, दे हैपन एज अल्लाह विल्स। हाँ, they happen when Allah wants it to happen. जब अल्लाह ताला चाहते हैं, अल्लाह ताला फिर आपकी एफर्ट देखते हैं, आपकी वो देखते हैं रेजिलियंस, आपकी करेज, आपकी persistence कि आप कितना, हाउ फार आर यू विलिंग टू स्ट्रेच, हाउ फार यू आर विलिंग टू गो फॉर इट, कितना आपके अंदर दम है, तो उस पर आपकी पेशेंस का इम्तिहान होता है। पेशेंस अल्लाह ताला हर इंसान को ना, मैंने देखा है पेशेंस एक टेस्ट है, चाहे आप रिलेशनशिप्स में हो, आपके स्पाउस हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके पेरेंट्स हो, पेशेंस जो है आपका हर इंसान के साथ डीलिंग में आपकी पेशेंस का रोज़ इम्तिहान होता है। ये पेशेंस को हार्नेस करने की थोड़ी सी स्ट्रेटजीज बताते चले ना, तो किस तरह, सबसे पहले तो बहुत सिंपल है और बहुत मुश्किल भी है एट द सेम टाइम, बहुत सिंपल है बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला से कनेक्शन, और थिंक बिफोर यू स्पीक, एक्ट, थिंक बिफोर यू एक्ट, एक्ट, रिएक्शन टाइम आपके पास होता है मिली सेकेंड। अच्छा, इस बात में मुझे एक बात याद आ गई, कहाँ हुआ है, मैंने पढ़ा भी है और इस पर रिसर्च की हुई है कि हर इन एवरी मोमेंट आइदर यू कैन रिएक्ट टू द सिचुएशन और यू कैन रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। अगर आप रिएक्ट करेंगे, इफ यू आर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन यू आर गिविंग योर पावर अवे, इफ यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन यू आर कीपिंग द पावर टू योरसेल्फ। हाँ, बेहतर नमाज है, आप नमाज पढ़ें। नमाज क्या आपको सिखाती है, सारे केओस और दुनिया को साइलेंट करके अल्लाह केओस के दौरान अपना साइड पे हो के आपने नमाज करना है, क्योंकि आप ड्यूरिंग द केओस और वो जो जोहर की नमाज के टाइम कितना काम, ये वो हसल एंड बसल, कितना कुछ होता है ना, एक तरह से प्रैक्टिस है, फोकस, फोकस करने की प्रैक्टिस, फोकस पावर है। तो उसमें यही है, पेशेंस किस तरह आएगा, टेक अ स्टेप बैक, लीव द सिचुएशन, छोड़ दें। कोई मसला है, कोई वर्क प्लेस पे आप जाते हैं, कोई कमेंट्स हैं, फजूल किस्म के टॉन्ट्स, लोग बकवास, कोई भी किसी वक्त भी मुंह फाड़ के बकवास कर सकता है, कोई चवल बात कह दी, कोई आपके कपड़ों पे किसी ने टॉन्ट मार दिया, कोई बालों पे टॉन्ट मार दिया, हर किस्म के ऑन कैमरा में वर्ड बात करने का स्टाइल पे टॉन्ट, क्या लीव हिम लाइक, तुम ये कह रहे हो इग्नोर करें उसको, इग्नोर, पेशेंस का यही, इग्नोर करें, इग्नोर यार और नहीं है, आप फिर मुंह पे जवाब देंगे, अगला बंदा उसकी जो क्वालिटी है, जो बंदा जो है जो आपको गंदा टॉन्ट दे रहा है, उस वो किस क्वालिटी का ह्यूमन बीइंग है, वो तो उसने शो कर दिया। तो अगर आप ईगल हैं तो आप क्या उस वो क्रो के लेवल पे फ्लाई करेंगे कि आप उसको उसके लेवल पे आके जवाब देंगे, चूंटी कितना काम दे रही है फर्श पे। अच्छा, इधर एक पॉइंट क्लियर करो कि अगर कोई इस तरह बकवास करता है और आप इग्नोर करते हैं उसको, तो वो इसको समझेगा यार है तो कमज़ोर है, इसको तो जवाब नहीं दे सकता, वो फिर बार बार इसका इसका तोड़ है। आप अगर आप स्पिरिचुअल उसमें ना, जो स्पिरिचुअल उस साइड इसकी है कि आप उसके लिए दुआ करें, वो ठीक हो जाएगा, ट्राई इट आउट यार, आप उसके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उसे खुश रखे, अल्लाह उसके उसकी वो करे, अल्लाह उसकी हिदायत करें। और ये मुश्किल काम है, मैंने मुश्किल काम बताया। सबसे अच्छी बात ये, आपको कोई कट मारता है गाड़ी में, सुबह के टाइम कितनी बदतमीज़ी चल रही होती है, दे दें रास्ता, कुछ नहीं होता। आप ये देखें किसी के भौंकने से लोग इशारे करके चले जाते हैं गाड़ियों में, क्या क्या नहीं करते हैं, कितनी बुरी बात कर देते हैं, लेकिन उससे आप एक सेकंड के लिए फील करें, पता है गुस्सा आ जाता है, खून ऐसे हो जाता है। तो ये डेली इशूज़ पर हम बात करें कि किस तरह पेशेंस का वो किया जाए। मेडिटेशन है, मेडिटेट करें, आँखें बंद करके ब्रीदिंग, कहते हैं बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं ब्रीदिंग के साथ, हमारी स्पिरिट ना, कहते हैं इसकी टेक्निक से आँखें बंद करके ब्रीदिंग पे फोकस करें। नेट पे काफ़ी वीडियोस मिलती हैं, ट्राई की है, मुझे फ़ायदा हुआ है, मैं वही चीज़ इधर बोलूँगा जो मैंने ट्राई की और सबको फ़ायदा हो। नमाज पढ़ें, क्योंकि ये आपको जो है ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, जो चल रहा है लाइफ में उससे थोड़ा कभी स्पेस लेके, तब क्यों लोग हॉलीडेज पे जाते हैं, क्यों एक रिट्रीट पे जाते हैं लोग, कि थोड़ा टू टेक अ स्टेप बैक। स्पाउस के साथ भी झगड़े इसलिए होते हैं कि आप एक साथ एक छत के नीचे रह रहे होते हैं, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, कुछ टाइम होता है कि आपको ब्रेक चाहिए होता है। ये दूसरा हो गया, एक हो गया मेडिटेशन नमाज, दूसरा हो गया टेक अ ब्रेक।
फिर हो गया अपने आप से खुद बात करनी है, अपने आप को बी योर ओन थेरेपिस्ट, बी योर ओन साइकाइट्रिस्ट, अपने आप को खुद समझाना है। कोई आएगा नहीं, ये थर्ड तरीका है, अपने आप को खुद बताना है। और ये मिली सेकेंड्स में हमला होता है, एंगर और ये चीजें आज के पड़ती हैं कि एकदम से बंदा ना आपको पता भी होता है, एकदम से कमेंट आ जाता है, आपको कमेंट आता है और आपकी जो अंदर आपकी बायोलॉजी है ना वो एकदम से चेंज हो जाती है। आपको कहते हैं ना खून जोश मारता है कि मैं क्या करूँ। उधर आपने अपने आप को खुद समझाना है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप शीशे में देख के अपने आप को बोलेंगे यार मैं पेशेंट रहूँगा नो मैटर वॉट हैपन्स टूडे, सुबह प्रैक्टिस करके निकले। तो सिंपल है, बस ये है। तो वी आर ऑल इन द सेम बोट, जो आपके साथ होता है वही हमारे साथ होता है। सो बी पेशेंट एवरीबॉडी, डोंट लूज योर टेंपर, डोंट लूज योर कंट्रोल ओवर योर माइंड। प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज़।